नमस्कार, आज की रेसिपी है स्वादिष्ट सलाद। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन आएगा, उसे दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन दबाने से हमारे जब नए नए वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पे वो वीडियो आ जाएगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज स्वादिष्ट कच्चे पपीते की सलाद। खूब स्वादिष्ट है, आप जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। ये सामग्री ये है कच्चे पपीता, गार्डन फ्रेश है, और ये हरी मिर्च और लहसुन और नींबू। पहले ये पपीता को धोकर हमने इसकी छिलका उतार देते हैं। पपीता की छिलका उतारने के बाद पतले पतले धारिया में थोड़ी सी कट लगाएंगे, पूरा अंदर तक नहीं लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पतले धारिया लगाएंगे इसमें। अब इसको हम पिलर की सहायता से घिस के निकालते हैं पतले पतले। देखिए कितने अच्छे से हमारे ये पपीता निकल गया। एक पपीता से कम हम यहाँ 2 कप निकाल लिए पपीता घिस कर। अब भुना हुआ तिल हमने लिए है 2 बड़े चम्मच, और यहाँ गुड़ लिए है 1 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। पहले ये लहसुन की कलियाँ जो रखे हैं इसको कूट लेते हैं पत्थर की सहायता से, बिल्कुल फाइन कूटेंगे इसको। लहसुन कूट गया है, अब 1 चम्मच करीब ये लहसुन निकला है। अब हरी मिर्च जो रखे हैं आप अपने स्वाद के हिसाब से डालना, लेकिन थोड़ी तीखी इस सलाद में स्वाद बढ़ाता है। अब ये हरी मिर्ची को भी बिल्कुल फाइन हमने कूट लिए पत्थर में। ये लहसुन हरी मिर्च को अगर हम कूटते हैं खूब स्वाद बढ़ाता है सलाद का। अब लहसुन और हरी मिर्ची को एक बर्तन में लेते हैं। यहाँ हमने 2 चम्मच तिल का तेल लिए हैं। आप सलाद ऑयल ले सकते हो या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। अब ये तेल हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से मिला लेते हैं। 2 बड़े चम्मच नींबू का रस यहाँ डाल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश नींबू लेना इसमें रस डालने के लिए। अब ये नींबू का रस के साथ भी इसे थोड़ा मिला लेते हैं। यहाँ अब हम डाल रहे हैं गुड़ 1 चम्मच, आप चीनी डाल सकते हैं, यहाँ आप हनी डाल सकते हैं, लेकिन ये गुड़ में स्वाद बढ़ाता है। अब ये गुड़ भी ऑर्गेनिक है और हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। भुना हुआ तिल अब यहाँ 1 बड़े चम्मच डाल रहे हैं और डालकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये मिल गया है सभी सामग्री, हमारा सलाद का ड्रेसिंग जो है तैयार हो गया है। यहाँ जो कच्चे पपीता हमने काट कर रखे थे इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से ये सलाद ड्रेसिंग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हमारे चैनल को। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। ये सलाद अच्छे से मिल गया है, यहाँ स्वाद अनुसार आप हम नमक डाल रहे हैं। नमक को अच्छे से सलाद के साथ मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद ढककर हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब भुने मूंगफली 2 बड़े चम्मच लिए हैं, अब ये सलाद में डालेंगे और मिलाकर अब इसको ठंडा ठंडा हम परोसेंगे। अब ये एक बर्तन में निकालते हैं और निकाल कर इसके ऊपर हम भुना हुआ तिल और जो रखे हैं भुना हुआ मूंगफली डालते हैं इसमें थोड़ा। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको ये दोनों चीज़ पसंद है ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, खूब स्वादिष्ट है। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।